चले आए थे कलकत्ता का जीवित काली मंदिर। कहते हैं यहाँ पे माँ काली हर समय सबका बात सुनता है, सबको देखता है, इधर उधर मंदिर का बाहर घूमता है, सबको दर्शन देता है। आइए जानते हैं मंदिर के बारे में। जय माँ श्याम सुंदरी। हम माँ श्याम सुंदरी मंदिर से बोल रहे हैं आप लोग को। कलकत्ता का एकमात्र जीवित काली मंदिर, सब भक्त बोलते हैं तो कलकत्ता का जीवित मंदिर है काली मंदिर। क्यों है इसको, क्यों सब जगह तो माँ है मगर इसको क्यों ऐसे नाम दिया गया, भक्त लोग क्यों ऐसे नाम दे रहे हैं माँ को? इसका सबसे बड़ा कारण है माँ इधर इधर स्वयं रहता है। आप लोग माँ को इंस्टाग्राम में बहुत बार बार देखे हैं, माँ का स्माइल देख के सब कोई जानते मगर माँ का बारे में कोई नहीं जानते। माँ का मुस्कुराहट जानते, माँ को पहचानते मगर माँ कहाँ रहते, कैसे आए कलकत्ता में, सब आप कुछ नहीं जानते। आज आप लोग को वही शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज से बहुत दिन पहले माँ का महालय का दिन आविर्भाव तिथि है। पहले माँ का कहानी बोल रहे तो उस दिन क्या हुआ था, आज से बहुत दिन पहले जो महालय का दिन था उस दिन इस मंदिर से पुरोहित जी जो पंडित जी वो बाजार करने के लिए गया माँ का भोग के लिए। तो उधर एक बाजार में एक छोटी सी बच्ची लड़की काला रंग माँ के मतलब ब्लैक पूरा कलर लगा के माँ का लिए सजे है, हाँ होता है ना, जो माँ का लिए सजती है, सच के भीख मांग रहा है। तो कहा क्या हुआ, इस जो मंदिर से जो गया माँ श्याम सुंदरी मंदिर से उसके पास वो भीख मांगा। जब भीख मांगा उन्होंने तो उनको बोला जा, उनको बच्चे बच्ची लड़की उनको उनके पास भी भीख मांगा। तो बच्ची लड़की जो भीख मांगा था उसको बोला जा काम कर देखा, बच्ची लड़की को गिरा दिया, फेंक दिया। बच्ची लड़की ले वो जो माँ के लिए सजी थी वो गिर गए मिट्टी में और पूरा सब कुछ जा उसमें हाथ में था सब गिर गया और एकदम खराब लगा उसको। तो सब कुछ उठा के गा पोच के बोले मुझे भीख ही मांगता, भीख ही मिलता, मुझे काम ही मिलता तो तेरे पास हम भीख मांगने आते कभी, तो बोल। तो ऐसे दुजन में बहुत झमेला भी हुआ, दुजन झमेला करके वो भी चला गया, ये भी चला गया। बहुत तरीका था मैं माँ के लिए भोग के लिए सब कुछ सामान खरीद के माँ के लिए लेके आया, माँ का पूजा होगा, माँ का अमावस्या का पूजा है, भक्त लोग आएगा, बहुत भक्त लोग का भीड़ होगा मंदिर में, तो प्रसाद के लिए सब कुछ आया। जब माँ का पूजा हो रहा है इस मंदिर में एक विशेषता है, आप लोग देखिएगा भी, अंधकार में पूजा होता है, सिर्फ काली पूजा मतलब जो दीपान्विता अमावस्या है वो छोड़ के हर अमावस्या में माँ का अंधकार में पूजा होता है। उस दिन भी माँ का अंधकार में पूजा हो रहा था, महालय का दिन पूजा होता तो देख रहा है तो बाबा है शिव जी है मार नहीं, तो माँ सोच रहे अंधकार में तो पूजा हो रहा है माँ का, माँ के मतलब माँ को दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अंधकार में काली है वो अंधकार भी काला है तो कुछ धरा आंखों में नजर नहीं आ रहा है, ऐसा उसको मन में हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, तो बार बार मन बोल रहा है, तो क्या कहो एक बार वो जो प्रदीप दिया जल रहा था उसको थोड़ा सा उठा के माँ का हमें लेके आया, देख रहे नहीं कुछ भी नहीं है, माँ नहीं है, और शिव जी को देख रहे लग रहा है कोई मर गया है, ऐसा कोई लेटे हुए गिरा हुआ है ऐसा लग रहा है, कोई शिव जी नहीं लग रहे हैं। वो डर गया और डर के दो पैर हट के चले आया, हाँ तब आवाज हो रहा है छम 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 करके कोई हट रहा है। एकदम अंधकार में से जतीन में पैर निकल आया, शिव जी का बुक में धप करके गिरा दाहिनी पैर माँ का, और वो जो शिव जी लेटे हुए थे उसका आंख ऐसे खुल गया और माँ की तरफ देख रहे, वो जो देख रहे हैं अभी तक माँ को देख ही जा रहे हैं, कभी किसी तरफ आवाज नहीं रखते, वो माँ को ही देख रहा है। वो पैर निकला उस अंधकार में से, एक मुख आया मतलब मुख निकल आया और हाथ में देख के बोला दे चावल कला खाने नहीं देगा मुझे। वो छोटी सी बच्ची लड़की, वो 5 साल की लड़की, आज भी वो श्याम सुंदरी माँ आज भी 5 साल की लड़की खड़ी है इधर, हाँ। तो यही बात है, तो वो सब गौतम देख के गिर गया अज्ञान सेंसलेस जब से हो गया, उसके बाद वो देख रहा है माँ को, माँ उसको दर्शन दे रहा है, बोल रहा है मतलब उसका अंतर बोल रहा है हम सिर्फ अमीरों का माँ नहीं है, हम कभी गरीबों का भी माँ है, हम सबका माँ है, हम जगत जननी है। तो माँ ऐसा इस मंदिर में हर टाइम रहता है, हम लोग कभी कभी देखते हैं जो बहुत रात 12 बजे 1 बजे धूप का धुआं से पूरा भर गया मंदिर, कभी कभी होता क्या नूपुर का आवाज होता है, कभी कभी क्या हुआ मेरे साथ भी क्या हुआ है जीवन में, हम एक बार माँ को हम सजाते हैं तो देख रहे हैं एक बार सब दरवाजा बंद है, ये दरवाजा जो माँ का शिव जी के तरफ जो भैरव जी का दरवाजा जो है
वो अपने आप खुल जा रहा है। तो होता है माँ इधर स्वयं है, क्योंकि हम मानते हैं मन से जो माँ मतलब जो असली माँ होता है वही इधर का पूजित होता है। क्यों? देखिए माँ को कुछ भी नहीं चाहिए, माँ सिर्फ संतान प्रिय है ना। तो ये इधर ऐसा ही बात है। और सबसे बड़ा बात है जो बाबा हम लोग का बोलते हैं, माँ को एक बार दर्शन करने से 51 सतीपीठ का फल प्राप्ति होता है एक मुहूर्त में। कोई भी व्यक्ति एक सेकंड में 51 सतीपीठ को दर्शन नहीं कर सकता है, मगर माँ श्याम सुंदरी का अगर कोई दर्शन करे तो 51 सतीपीठ का फल लाभ होता है। और दूसरा बात, माँ को कोई अगर 28 शनिवार को दर्शन करे शाम के टाइम, उसका हर प्रकार का ग्रह दोष, कोई भी काल सर्प दोष, कोई भी मांगलिक दोष सब कुछ कट जाते सिर्फ माँ को दर्शन से। ना लगेगा पूजा देने, ना कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ दर्शन से होता है। तो आप लोग भी सब आइए माँ का मंदिर में, माँ को दर्शन कीजिए, अपना माँ को, खुद का माँ को। जय माँ श्याम सुंदरी। महर्षि देव जपन, महर्षि देव साधे उठे छमछम करे आवाज है, माँ पाए सुनार तोरा তখন বলে আমাকে আয় আয় সাথে আয়। তখন আমি যাই মার সাথে কথাবার্তা বলি, পুরো বাড়িতে মা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, দুটোর সময় মা সাথে যাই, আমিও সাথে যাই, পুরো কথাবার্তা বলে মা মার জায়গায় আসে, আমি আমার জায়গায় চলে যাই। আমার নাম উমা ভট্টাচার্য। আমি যখন থেকে মাকে দেখছি ঠিক মার এই একই রূপ আমি দেখছি, আমি কখনো মার আলাদা কিছুই দেখতে পাই না, মার কখনো রং হয় না, মা যেমনি আছে এরকমই উনি আছে। শুধু তাই না, আমাদের যখন আনন্দের গল্প হয় সেটাও আমরা মাকে জানাই, আমাদের দুঃখ হলেও মাকে জানাই। আমাদের মা নিজেদের মা, আমাদের সব সময় মা আমাদের পাশে থাকে, আর মাকে আমরা যেমনভাবে ডাকি তেমনিভাবেই পাই। আপনারাও আসুন, আপনারাও ডাকুন, আপনাদেরও আশা পূর্ণ হবে। মার কাছে কেউ এসে ফিরে যায় না, এলে পরে সবার আশা মনস্কামনা পূর্ণ হবে। মেরা মা সচমুচ জিন্দা হ্যায়, মতলব হাম মহসুস কিয়ে সচমুচ মেরা মা জিন্দা হ্যায়। মতলব অমাবস্যা কা রাত থা, সোচ দিয়ে দো বজ রহে, কোই বহুত উপর সে মতলব বহুত উপর সে উতরা और धप करके आवाज हो गया। हम लोग का जो भोलेनाथ है उनका घर में चला गया पायल का आवाज। मैंने सोचा नहीं हम गलत सोच रहे हैं, फिर पायल का आवाज हुआ। फिर हम बहुत कोशिश करके, मैं जो गेट में मतलब घर में रहता हूँ उसका गेट कांच का है, मतलब शीशा का है, बाहर में सब देखा जा सकता है। बहुत साहस करके देखे, देख रहे हैं एगो काला, पूरा काला लड़की और लंबा लंबा बाल, मतलब उसका पैर तक बाल है, इतना बाल आंख मुंह नहीं दिख पाए, खड़ा है और गोल करके राउंड करके खड़ा है। मैं बहुत डर गया, डर के मैंने आंख थोड़ा बंद किया, फिर देख रहा कोई नहीं है। फिर मैंने सुत गया, फिर सुबह उठ के देख रहे कि माँ श्याम सुंदरी सेम जैसे कल रात को देखे, फिर सेम सच के है, मतलब कल रात को माँ ही आई थी। इसीलिए मेरा माँ सचमुच जिंदा है। माँ का मुस्कान देख के मतलब मन भर जाएगा आप लोग का। आप लोग आइए, माँ का मुस्कान में ही सब है। जय माँ श्याम सुंदरी। प्रथम আমি ইউটিউব দেখি যেদিনকে বৃহস্পতিবার ছিল, সেদিনকে আমি কানতে কানতে ছুটে এসেছি বিকেলবেলা। এসে মানে আমি পুরো মুগ্ধ হয়ে গেছি, আমি বুঝতেই পারছি না খুব কেমন জানি লাগছে। মানে তারপরে অনেক দেখার পরে মনে হলো যেন একটা বাচ্চা শিশু, 5 বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে খিলখিল করে হাসলে যেরকম মুখটা দেখতে লাগে মায়ের মুখটা ঠিক তেমনি। ভীষণ আমার ভালো লাগে, ভীষণ একটা আকর্ষণ, মানে ওনার সত্যি শিশু একটা বাচ্চা একটা মেয়ে, এত মানে এত সুন্দর জিনিস আমি কোথাও দেখিনি, হয়তো এটাই আমার এখানে ইয়ে। তো যাই হোক, তো আপনারাও আসুন, খুব ভালো আর ভীষণভাবে জীবন্ত, মুখটা দেখলেই মনে হয় যে সত্যি মা এখানে জীবন্ত। এখানে কিন্তু মায়ের কোনো ঘট নেই বা কোষাকুষি দিয়েও পুজো হয় না, কারণ হচ্ছে মা সর্বদাই চলাফেরা করে অন্ধকারে, অমাবস্যার দিন অন্ধকারে পুজো হয়। আমি দেখলাম শনিবার দিনে আসলাম, তো
মানে ভীষণ ভালো হয় আর অনেক ভিড় হয়, ঠাসা ঠাসি লোক, আপনারাও আসুন, সত্যি মনে মনস্কামনা পূর্ণ হয় আমার যতটুকু মনে হলো। আর যেটা আমি শুনলাম 51 পীর দর্শন হয়ে যায় এই মাইল, তো একই তো ব্যাপার, আপনারা আসুন, 51 পীর দর্শন হয়ে যাবে।